हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। गुरुग्राम में कुपोषण मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान कुपोषण की समस्याओं को दूर करने के लेकर बातचीत की गई। गुरुग्राम में कुपोषण एनीमिया बीमारी की समस्या से जूझ रहे बच्चों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गुरुग्राम जॉन हॉल अभियान की शुरुआत की गई, जहां 200 से ऊपर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरअसल कलेक्टर यश गर्ग और वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट सुनैना ने अभियान की शुरुआत की। बता दें कि गुरुग्राम रूरल ब्लॉक में ये सर्वे पहले करके इसे मॉडल ब्लॉक बनाया जाएगा। इसके बाद अन्य 5 ब्लॉक में महिला और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने का काम होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यकारी अधिकारी सुनैना ने विश्वास दिलाया है कि उनका विभाग इस कसौटी पर खरा उतरेगा। हमारी महिलाएं हैं जिनको अनीमिया अर्थात खून की कमी है, हम उनको आइडेंटिफाई करें। इसके अलावा जितने भी गुरुग्राम में बच्चे हैं जिनको किसी भी प्रकार की कुपोषण से ग्रसित हैं, मतलब उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, तो उनको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको ठीक करने के लिए क्या क्या चाहिए वो सभी इंटरवेंशन करी जाए और कुछ समय बाद फिर ये देखा जाए कि उनका प्रभाव क्या पड़ा है। बेसिकली हम अपने गुड़गांव के अंदर ये चाहते हैं कि अनीमिया भी, गुरुग्राम के अंदर जो अनीमिया है उसकी परसेंटेज भी जैसी एक किसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर होती है उससे ज़्यादा ना हो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट की दर जो है वो बहुत बेहद कम हो। एक हमारा अभियान है कुपोषण मुक्त गुड़गांव बनाने का एक अभियान है, जिसके तहत हमने अपनी 300 आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेन किया है ताकि वो बच्चों का हाइट वेट और सही तरीके से लें और जिससे हमारे जितने भी गुड़गांव में कुपोषण वाले बच्चे हैं वो निकाल सकें। फिर कुपोषण में जो बच्चे निकलेंगे उनके आगे क्या इंटरवेंशन की जाएगी, उनको कैसे ठीक किया जाएगा, नॉर्मल कैटेगरी में लेके आया जा सकेगा, ये अभी उस अभियान की तैयारी है। इसके लिए गुड़गांव में हमने सबसे पहले, हमारे पास 6 ICDS ब्लॉक हैं, तो हमने गुड़गांव रूरल ब्लॉक को एज ए मॉडल ब्लॉक